हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूँ सागर और आज अपने स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के शेयर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आज के दिन एक बहुत बड़ी गिरावट आज के दिन यहाँ बजाज फाइनेंस के शेयर में देखने को मिली है और शेयर का जो मेन प्राइस है वो 2000 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 196 रुपये की बड़ी गिरावट, या फिर आप कह सकते हैं लगभग 9% की बड़ी गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने को मिली है। जो वॉल्यूम का आंकड़ा निकल के आया है वो भी बहुत बड़ा निकल के आया, तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर के आसपास यहाँ पे आज के दिन वॉल्यूम होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आज के दिन शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट का सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ पे NBFC कंपनी में दबाव। जिस तरीके से यहाँ पे कोरोना वायरस का असर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लॉकडाउन के कारण, तो यहाँ पे जो आने वाले लोन डिफॉल्ट के खतरे हैं जो कि अब रिटेल सेक्शन से होते हुए नजर आ सकते हैं, साथ ही साथ आगे की जो ग्रोथ डिमांड है वो भी अब कम होती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे अब इनको रिस्पॉन्स भी थोड़ा कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब समझने वाली ये है कि आगे और कितना बुरा समय इन कंपनियों के लिए आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें भी 1-2 महीने पहले ये स्टॉक सभी के चार्मिंग स्टॉक थे, 4923 का 52-week हाई लगा था, और तकरीबन ये आंकड़े जो है अपने बजट के आसपास हमने देखे थे। फरवरी एंड के आसपास 4923 का भाव था, और आज अगर हम बात करें तो आज 52-week लो लगता हुआ नजर आया 1970.05 रुपये का। यानी कि यहाँ पे 1-1.5 महीने के अंतर में ऐसा इतना बड़ा कुछ हो गया कि ऊपर से स्टॉक लगभग 60% तक टूट चुका है। यानी कि 5000 रुपये में जो स्टॉक सभी लोगों को अच्छा लग रहा था, आज 1970 रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे बहुत तेज गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब जिसको जहाँ प्राइस मिल रहा है वहाँ पे वो स्टॉक बेचे पड़ा है। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोज की मैं आपसे बात कर लूँ तो 2172 था, और आज की ओपनिंग प्राइस बहुत नीचे हुई 2113 के आसपास, और जहाँ ओपन हुआ वही दिन का इसका आज का हाई बनता हुआ नजर आया, और वहाँ से लगातार इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला। जहां खुला उसके बाद भी लगातार यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास लगभग 9% गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर ये स्टॉक तकरीबन 2000 का लेवल तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे जो खतरे की घंटी है वो बजनी चालू हो जाएगी, और ये स्टॉक में और बड़ी गिरावट धीरे धीरे करके देखने को मिल सकती है, और ये स्टॉक शायद 1600 से 1700 की लेवल तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात कर ले अगर यहाँ पे इस कंपनी के वैल्यूएशन की, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप अभी प्रेजेंटली चलता हुआ दिखाई दे रहा है 1,18,920 करोड़ के आसपास का चल रहा है। ऊपर से 60% इसकी वैल्यू इरोड हो चुकी है, एक वक्त ये 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23.3 आती हुई दिखाई दे रही है, और इंडस्ट्री पीई चलता हुआ दिखाई दे रहा है 24.45, तो इंडस्ट्री पीई से भी अब ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वक्त ये 55-60 के प्राइस टू अर्निंग पे कामकाज करता था। यहाँ पे इसकी EPS 84.84, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि यहाँ पे क्या ये सस्ती अभी सस्ती हो चुकी है कंपनी, या अभी भी यहाँ पे और गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्केट किसी भी स्टॉक को देता है वो उसकी फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देख के देता है, और अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस में गिरावट आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ मार्केट ये मान के चल रहा है कि आगे का जो माहौल होगा इस कंपनी के लिए या पूरे सभी कंपनियों के लिए वो अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्टॉक प्राइस अब करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे इस चीज को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रही है कि अब यहाँ पे फ्यूचर को मार्केट यहाँ पे फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे जिस तरीके से ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो 23 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है वो इसी बात का संकेत दे रहा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है, तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्टॉक बुरा है, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी समय जिस तरीके से चल रहा है तो यहाँ पे ये डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अगर कोई अपने पैसे लगाने चाहते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों आपको कोई स्टॉक 60% करेक्शन लेवल पे मिल रहा है तो आप यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे पैसे एक बार में इन्वेस्टमेंट करना सही रणनीति नहीं होगी। अगर आप अपने पैसे लगाना भी चाहते हैं तो 20-20% करके 5 हिस्सों में लगाएं तो वो अच्छा होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि यही बॉटम है या इसके नीचे स्टॉक नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जब हम चार्ट पे बात करने की कोशिश करेंगे तो चार्ट में समझ आएगा कि यहाँ पे अभी भी कितना बड़ा बॉटम शायद लग सकता है, क्योंकि कन्फर्म है या नहीं है वो हम बाद में पता चलेगा।
कंपनी के चार्ट देखें उससे पहले एक बार फाइनेंशियल्स पे अगर हम इसके नज़र डालें तो देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में जो इसका प्रॉफिट था वो तकरीबन 1488 करोड़ था, जिसको अगर हम साल दर साल कंपेयर करें दिसंबर 2018 से तो 1022 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले लगभग 47-48% का राइज यहाँ पर देखने को मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर जो साल दर साल की ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट 45-50% की मार्केट मान के चलता था। क्वार्टर दर क्वार्टर की ग्रोथ माने तो सेप्टेम्बर 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो 1376 करोड़ था, जो कि बढ़ के 1488 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8-10% की यहाँ पे भी बढ़त देखने को मिल रही थी अगर हम बात करें क्वार्टर दर क्वार्टर। लेकिन इस क्वार्टर में अब जो मार्च के नतीजे आएंगे वो भी देखने वाले होंगे किस तरीके के नतीजे देखने मिल रहे हैं, और उसके बाद जिस तरीके से अप्रैल में लॉकडाउन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तो अप्रैल मई जून के जो नतीजे जुलाई में आएंगे क्वार्टर वन के, असली जो प्रॉब्लम है वहाँ देखनी चालू होगी कि वहाँ पे किस तरीके से इसका असर अब पूरे तरीके से देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से मॉरेटोरियम दिया गया आरबीआई की तरफ से सभी लोगों को तो उसका फिर कितना बड़ा असर यहाँ पे इनके फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलता है। अगर आज के कारोबार की यहाँ पे बात कर ले तो इस कंपनी के शेयर की, तो यहाँ पे जिस तरीके से टोटल आज सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें कितनी डिलीवरी उठाई गई है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे 33 लाख शेयरों की लगभग डिलीवरी आज के दिन यहाँ पे क्लॉक हुई है, और जो आंकड़ा निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 31.71%। तो यहाँ पे उतना इंकरेजमेंट वाला नंबर नहीं है कि यहाँ पे जिस तरीके से पहले 45-50-60% की डिलीवरी क्लॉक होती थी तो उसके मुकाबले यहाँ पे सिर्फ 30-32% के आसपास की डिलीवरी क्लॉक हो रही। तो यहाँ पे सेलिंग का जो प्रेशर है वो मार्केट साफ दर्शा रहा है कि कितने बुरी तरीके से यहाँ पे ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे 4,500, 4,800, 4,900, even 4,000 और 3,000 के लेवल वाले भी अब यहाँ पे बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो लोग अपना माल यहाँ पे ऑफलोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे स्टॉक पे भी आती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चार्ट पे किस तरीके से स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 20 फरवरी का दिन था जिस दिन इस स्टॉक ने तकरीबन 4,923 का हाईएस्ट लेवल छुआ था, और पिछले दो महीने में यहाँ पे स्टॉक की ऐसी हालत हो गई कि 60% के आसपास यहाँ पे स्टॉक टूटता नजर आया, और आज की जो क्लोजिंग देखने को मिली वो और भी डराने वाली है। यहाँ पे इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट क्लोज लेवल को तोड़ दिया जो कि तकरीबन दो दिन पहले 21 अप्रैल के आसपास लगाया था 2,099.75 का, तो आज उसके नीचे यहाँ पे 2,000 के नीचे भी जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया है। अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखने की कोशिश करेंगे स्टॉक को अगर जूम करके, तो यहाँ ये स्टॉक हायर मतलब लोअर हाई और लोअर लो का यहाँ पे जो पैटर्न है वो बनाता जा रहा है, मतलब हाई जो है वो लगातार नीचे आता जा रहा है और जो लो है उसका वो और लगातार नीचे आता जा रहा है। अगर इसको हम एक ट्रेंड लाइन में समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आज उसने अपनी लोअर लो की जो लाइन है उसको भी नीचे की तरफ यहाँ पे तोड़ दिया है, और अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टॉक अब नीचे की तरफ कहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक का स्ट्रक्चर जो है बहुत बुरी तरीके से बेरिश हो गया है। जो 200 DMA लेवल है वो तकरीबन 3730 के आसपास आता है, यानी कि अभी तो इसके यहाँ तक पहुँचने के किसी प्रकार के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर हम चार्ट को जूम करके देखें या इसको एक वीकली चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट देखने को जो मिली थी पहले के मुकाबले, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं ये स्टॉक एकदम एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है तकरीबन 1976 के आसपास की, ये जो लो लगता हुआ नज़र आया था तकरीबन तकरीबन 1 अक्टूबर 2018 के आसपास जब गिरावट एक आई थी, जब ये स्टॉक तकरीबन 3000 के लेवल से गिर के 2,1950 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दिया था, और उसके बाद जो इस स्टॉक में तेज़ी बनी थी तो पिछले दो साल में ज़बरदस्त अच्छी खासी तेज़ी यहाँ बनती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो गिरावट आई है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती हुई दिखाई दी, और अब यहाँ पर इसकी जो कैंडल का सपोर्ट देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ वो 1976 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ डिसाइसिवली टूट जाता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा जो कि वीकली चार्ट में दर्शाता है 1600 रुपए के आसपास निकलता हुआ नजर आएगा, जहां पे इसने तकरीबन कई दिनों तक 2018 में कंसोलिडेट किया था 2000 का हाई बनाने के बाद। तो यहां पे 1600 के आसपास यहां पे जनवरी फरवरी 2018 के जो सपोर्ट लेवल है वहां तक स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़े बड़े यहां पे जो ब्रोकरेजेस हाउस है उन्होंने भी अपना टारगेट ऊपरी लेवल से बहुत नीचे तक घटा दिया है, और उनके भी जो टारगेट है 1600 से 1700-1800 के आसपास के रेंज में बजाज फाइनेंस पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे अगर इसको चार्ट को जूम करके हम देखें तो पिछले कुछ सालों में यहां पे बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसका यही कारण है कि यहाँ पे जो गिरावट भी देखने को मिली है
वो उसी स्पीड में यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि आप देख सकते हैं सन 2016 में यहाँ पे जब गिरावट आई थी, तो यहाँ पे सन 2016 2015-16 के आसपास में इस स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं 600 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, और पिछले 4 सालों में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्मर होता हुआ दिखाई दिया, और 600 रुपये का स्टॉक बढ़ के 4,900 से 5,000 तक जाता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 7 to 8 times यहाँ पे स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है। तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक अभी मुश्किल से, अभी अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2018 के लेवल पे आया, यानी कि 2 साल भी नहीं हुए अभी इस स्टॉक को, और 1.5 साल पुराने लेवल पे ये स्टॉक अब आता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे 600, 700, 800, 1000 रुपये के लेवल पे पैसे लगाए हुए हैं, वो लोग भी अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी इन लोगों के पैसे उतने नहीं टूटे हैं जितने कि यहाँ पे उन लोगों के पैसे टूटे हैं जिन्होंने यहाँ पे 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 के आसपास के लेवल पे पैसे लगाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन जो देखने को मिल रही है, वो ऊपरी लेवल पे खरीदे हुए लोगों के द्वारा ज़्यादा देखने को मिल रही है। जो भी फंडों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है, जो भी लोगों ने ऊपर की तरफ खरीदारी की है, वो अपना माल अभी यहाँ ऑफलोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये स्टॉक 1500-1600 के पास आता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो जाएगी। तकरीबन कहीं ना कहीं ये 18 से 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास आपको मिलता हुआ स्टॉक भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बदलता हुआ बाद में दिखाई दे, जो कि डेफिनेटली बदलेगा कुछ दिनों के बाद, यहाँ पे फिर से मार्केट में ग्रोथ आएगी, और इंडिया का ऐसा मार्केट है कि यहाँ पे ग्रोथ खत्म नहीं होगी, कुछ दिन रुक जरूर सकती है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ आगे आएगी। तो अगर आपकी एंट्री 1500-1600 के आसपास होती है, तो यहाँ पे जो आपकी डाउन साइड है वो डेफिनेटली होगी कुछ नीचे की तरफ। ये मना नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे 1600 से नीचे ये स्टॉक नहीं जा सकता। अगर 1600 का भी लेवल तोड़ दिया इस स्टॉक ने, तो दोस्तों यहाँ पे फिर जो पैनिक सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी वो 1200 से 1800 रुपये तक भी जा सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों पहले क्रूड में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड थी कि कोई स्टॉक कोई चीज़ यहाँ पे नेगेटिव में भी जा सकती है, किसी ने जिंदगी में भी नहीं सोचा था, लेकिन वो चीज़ हुई। तो दोस्तों ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा का सारा पैसा एक बार में यहाँ पे डालना गलत होगा। बात करें अगर यहाँ पे चार्ट पे RSI के लेवल पे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI में भी वो कोई खास स्ट्रेंथ स्टॉक दर्शाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। RSI का लेवल नीचे की तरफ से उठने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फाइनली अभी फिर इसमें गिरावट के संकेत आते हुए दिखाई दे रहे। जो प्रेजेंट लेवल चल रहा है आज के दिन का 31.23 का RSI लेवल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चार्ट में जिस तरीके से कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगातार नीचे की तरफ फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर ले MACD के लेवल पे, तो MACD में बहुत ही ज़्यादा बेरिश स्टॉक है, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर आने की कोशिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे स्टॉक का जो बिहेवियर है वो नेगेटिव साइड पे है। ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर भले दे दिया है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लग रहा है कि एक बार और नेगेटिव क्रॉस ओवर देता हुआ है, अगर यहाँ दिखाई देता है, अगर ये सिग्नल लाइन MACD लाइन को तोड़ती हुई नीचे की तरफ फिर से दिखाई देती है, तो फिर से एक बेरिश सिग्नल होगा, और उसके बाद यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक 1600 से 1700 के आसपास कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी डाउनसाइड कम नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड करने का समय कहा जाए तो जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।